नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की महाराजपुर थाने की पुलिस की, जहां पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो व्यक्ति आम सेक्ट का आरोपी था। अब पुलिस कहती है कि पुलिस ने 100 डायल के माध्यम से उसे बीती रात गिरफ्तार किया, लेकिन परिजनों का यह दावा है कि पुलिस ने 3 दिन तक हिरासत में रखा। अब पुलिस का कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस आरोपी को न्यायालय में सौंपना होगा। अगर मृतक के परिजन झूठ बोल रहे हैं तो क्या पुलिस राजा हरिश्चंद है? तो कहीं ना कहीं 100 डायल ने कब कॉल कलेक्ट किया और कब आरोपी को हिरासत में लिया, क्या पुलिस वो तारीख को टाइमिंग बताएगी? तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। अष्टमी की रात्री में ये थाना महाराजपुर में कल एक आम सेक्ट की कार्रवाई हुई थी। नीला आदिवासी, सन ऑफ टंटू आदिवासी महाराजपुर का रहने वाला है, और आज सुबह इसको ये यहाँ पे कोर्ट में पेश करने के लिए आ रहे थे, जिसकी देवरी कोर्ट में रहता है, MLC कोर्ट में। तो इसका मेडिकल कराया गया MLC में। तो MLC टाइम लगभग नॉर्मल था ये, और इसके बाद इसको कोर्ट ले गए कि कोर्ट में पेश करना है। तो जब कोर्ट परिसर में ये गया तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसको वॉमिट हुआ। वॉमिटिंग से फिर हमारे स्टाफ ने जो संबंधित न्यायालय था उनको बताया कैसी तबीयत है, उसका ट्रीटमेंट करा था। जब हॉस्पिटल लेके आया तो उसकी डेथ हो गई। सागर की पुलिस उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब एक आरोपी के पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। यह कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस कस्टडी में किसी की जान गई हो। सागर जिले के राहतगढ़ थाने से बीते महीनों पहले एक बेगुनाह व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। महाराजपुर थाने के इस मामले में पुलिस अब सफाई में जुट गई है। पुलिस के आला अफसरान कहते हैं कि बीती रात लीला आदिवासी को पुलिस की 100 डायल ने उस वक्त पकड़ा जब वो शराब पीकर उत्पात कर रहा था, जिसे न्यायालय में ले जाते वक्त आज उल्टियां हुई, पेट में दर्द हुआ, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के बताए अनुसार पुलिस उस वक्त संदेह में आ गई जब मृतक के परिजनों ने कहा कि पुलिस 3 दिन से लीला आदिवासी को हिरासत में लिए थी। कानून कहता है कि हिरासत में लेने के बाद पुलिस 24 घंटे में आरोपी को न्यायालय में पेश करे। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह पुलिस को आरोपी की कस्टडी दे रहा है या उसे जेल भेज रहा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी क्या बोल रहे हैं और परिजनों का क्या कहना है, जरा आप ही सुन ले। 11 अष्टमी की रात्री ये थाना महाराजपुर में कल एक आम सेक्ट की कार्रवाई हुई थी। नीला आदिवासी, सन ऑफ टंटू आदिवासी महाराजपुर का रहने वाला है, और आज सुबह इसको ये यहाँ पे कोर्ट में पेश करने के लिए आ रहे थे, जिसकी देवरी कोर्ट में रहता है, JMLC कोर्ट में। तो इसका मेडिकल कराया गया MLC में। तो MLC टाइम लगभग नॉर्मल था ये, और इसके बाद इसको कोर्ट ले गए कि कोर्ट में पेश करना है। तो जब कोर्ट परिसर में ये गया तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसको वॉमिट हुआ। वॉमिटिंग से फिर हमारे स्टाफ ने जो संबंधित न्यायालय था उनको बताया कैसी तबीयत है, उसका ट्रीटमेंट करा था। जब हॉस्पिटल लेके आया तो उसकी डेथ हो गई। बहरहाल आरोपी की कस्टडी में हुई मौत पर अब सवाल खड़े हुए हैं। अब क्या पुलिस 100 डायल में किए हुए उस कॉल की डेट और टाइमिंग को सार्वजनिक करेगी या फिर गरीब की मौत पर लीपापोती कर देगी? कहीं पुलिस की 3rd degree से आरोपी की जान तो नहीं चली गई? सवाल तमाम हैं जो पुलिस की वर्दी को दागदार जरूर कर रहे हैं। आशीष दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, महाराजपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।